How to install VirtualBox on a Mac system will guide here in this video. First of all, I will download the VirtualBox, which is currently 6.1 for Mac. So I am in downloads and I will go for OS X hosts. So it given me one 6.1 DMZ file, so I am going to download it. It will take a bit time. तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है. अभी मैं इसके लोकेशन पे जाऊंगा तो ये कहता है कि जो भी इंटरनेट सोर्स से डाउनलोड किया गया है DMZ, उसको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करने देता है मैं को इस पे फॉर सिक्योरिटी रीजंस. फर्स्ट मैं इसको ओपन करूंगा. आई विल ट्राई टू ओपन इट. लेट्स सी. या इट्स सेज वर्चुअल बॉक्स DMZ इज नॉट फ्रॉम द एप स्टोर. आर यू श्योर यू वांट टू ओपन इट? Yes, because I have downloaded from VM VirtualBox site, so I can tell like this is a verified source also. तो यहाँ पे इस तरह से पॉपअप आएगा. तो मुझे अभी इस चीज को इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ भी राइट क्लिक करके ओपन करूंगा. कहता है डबल क्लिक, बट मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा क्योंकि उस सेम पॉपअप अभी फिर से आने वाला है. तो आप देख सकते हैं सेम पॉपअप आ गया. अगर डबल क्लिक करता तो ये डायरेक्टली रिसाइकल करने के लिए हमें बोलता. तो मैंने इसको ओपन किया है. यहाँ पे परमिशन के लिए पूछा जा रहा है. दिस पैकेज विल रन ऑन प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड. अलाउ. इसके बाद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है. इंस्टॉल सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट होने वाला है. तो यहाँ दो पॉपअप आए हैं बैक टू बैक. एक है सिस्टम एक्सटेंशन ब्लॉक है और एक्सटेंशन अपडेट के लिए. तो यहाँ सिस्टम प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे. सिस्टम प्रेफरेंसेस में यहाँ आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाऊंगा. यहाँ पे देखते हैं कि अलाउ एप्स डाउनलोडेड फ्रॉम ओनली टू एप स्टोर है. तो इसको चेंज करके थोड़ा सा वेरीफाइड डेवलपर पे कर दूंगा. एंड आल्सो फ्रॉम वेरीफाइड डेवलपर. तो डिटेल्स में यहाँ पे मुझे आ गया है ओरेकल अमेरिका INC को टिक कर लूंगा क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स है, वो ओरेकल का प्रोडक्ट है. तो अभी चेंज कर लिया हूँ. ओके यहाँ पे किया, यहाँ पे भी ओके किया. इसको क्लोज कर दिया. अभी मैं ट्राई करूंगा कि जो वर्चुअल बॉक्स मैंने डाला है वो इंस्टॉल होने के बाद मेरा ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है. फाइंडर में जाकर एप्लीकेशन में जाऊंगा. डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी आप ओपन कर सकते हैं. मैं दिखा देता हूँ कि क्या ओपन करने पे क्या होगा. तो डायरेक्टली ओपन हो गया. अभी यहाँ पे हम जब न्यू मशीन करने जाते हैं कुछ भी नेम दें उनको समथिंग. अभी कोई इमेज नहीं दिया है. तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है, कितना साइज मेमोरी आप एलोकेट करने जा रहे हैं एक मशीन अगर रन करते हैं. तो क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड ड्राइव नाउ और यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल ड्राइव. या अगर आपके पास है एग्जिस्टिंग तो उसको भी यूज कर सकते हैं या नया क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे पूछेगा वर्चुअल डिस्क इमेज चाहिए, वर्चुअल हार्ड डिस्क चाहिए या वर्चुअल मशीन डिस्क चाहिए. तो VDI जो डिफॉल्ट है मैं उसी पे जा रहा हूँ. डायनेमिकली एलोकेटेड रखूंगा कि फिक्स साइज करने पे वो फिक्स उतना क्रिएट कर लेगा. तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है. तो अभी यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसके सेटिंग में जाना है. सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका इमेज. इमेज क्योंकि है नहीं अभी तो इमेज यहाँ पे एक देना पड़ेगा जो ये कंट्रोलर है ऑप्टिकल ड्राइव जो यहाँ पे है उसमें एक CD डाल एक मुझे फाइल लेना पड़ेगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आइकन आएगा डिस्क इमेज जैसा एक आइकन है. तो यहाँ पे एक है चूज क्रिएट वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क और चूज ए डिस्क फाइल. तो यहाँ ISO फाइल आपको यहाँ पे डालना होगा जिससे कि वो बूट हो सके.